निज मन मुकुर सुधारी। जी हाँ, हनुमान जयंती का पर्व है और जैसा कि आप देख सकते हैं, हम आपको ले आए हैं चांदपोल वाले हनुमान जी के यहाँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस प्रकार भक्तजन सभी हनुमान जी की भक्ति में लीन होने मंदिर आ रहे हैं। यहाँ वे हनुमान जी से अपनी अपनी मुरादें पूरी करने आ रहे हैं। चलिए जानते हैं कुछ लोगों से कि क्या 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 भक्ति भाव है उनकी हनुमान जी के प्रति। आप बताना चाहेंगे कि हनुमान जी पे आप कितना विश्वास रखते हैं, क्यों उनकी ज़्यादा पूजा करना अर्चना करना पसंद करते हैं? ये बहुत बढ़िया बात है। हनुमान जी की जो जितनी सेवा करेगा ना, उतने उसके संकट दूर होंगे। और मैं 1940 से आ रहे हूँ यहाँ से। जी सर। हाँ, जय श्री राम। और बाकी तो इसकी कृपा, जो इसकी शरण में आ गया वो कुछ नहीं गया। और मैं तो हनुमान जी को वीर के लिए, वीरता के लिए माना जाता है, ज़्यादा उन्हें वीरता के लिए माना जाता है, तो आप उनसे क्या सीखते हैं? भाई, ये साहसिक है, मतलब निर्भय है, निडर है, बुद्धिमान है, चतुरता है, हर तरीके के बल, बुद्धि, शिक्षा सभी तरीके का इनके पास प्रखव है। और अष्ट सिद्धि नव निधियों के दाता है, इनके पास सारी शक्तियाँ हैं। जो भी इनके शरण में आता है उनका कल्याण होता है। और इनको सभी देवता, सभी प्रभु मानते हैं और सभी भक्त भी मानते हैं। आपकी जय हो हनुमान जन्मोत्सव पर, हनुमान जन्मोत्सव पर सभी को नमन और सभी को कोटि कोटि नमन। ये तो हनुमान जी की मेहरबानी है जो लोग बाग इतने दूर से, ये बहुत प्राचीन मंदिर है, आज का मंदिर बनाया नहीं, राजा महाराजाओं के टाइम का है, इसलिए इनकी जिसके ऊपर कृपा हो जाए उसको कोई नहीं टाल सकता। धन्यवाद। हनुमान जी इकलौते ऐसे भगवान है जो आज के युग में भी जिंदा है। बिल्कुल, इट इज फैक्ट। आप हनुमान जी के चरित्र से आप क्या सीखते हैं? हम हनुमान जी के चरित्र से ये सीखते हैं कि हनुमान जी जिस प्रकार हर व्यक्ति के लिए सुनवाई करते हैं और समय उनकी सेवाओं के लिए हाजिर रहते हैं, और उन्होंने हमेशा रामचंद्र जी की भी उन्होंने मदद की थी, देवताओं की मदद की थी, तो अपन का भी यही कर्तव्य बनता है हनुमान जी की तरह, अगर कोई की विपत्ति में आता है तो हम भी उसकी सहयोग करें, सहायता करें। और हम हनुमान जी से यही प्रार्थना करते हैं, हमको ये अपना जैसा ही बना के, अपना दास बना के रखें, जिससे हम भी आपकी किसी ना किसी की मदद कर सकें। हनुमान जी ने सबसे बड़ी क्या है, सीता जी की खोज की थी, जो कोई कर नहीं सकता, और रावण को मरवाया और वहाँ से लंका गिराई, सोने की लंका ढहा दी, तो हनुमान जी का बहुत बड़ा रोल है और वो प्रिय भक्त है भगवान के। हनुमान जी तो सर्वशक्तिशाली हैं, सूर्य पुत्र हैं, और हनुमान जी तो अमर हैं। अमर हैं, बिल्कुल अमर हैं। और यहाँ हर मनोकामना पूर्ण होती है हर आदमी की। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ जो भक्त जन है सभी यहाँ पर लीन होने भगवान जी की भक्ति में आए हैं, और उनका कहना है कि यहाँ पर जो भी वे मनोकामना मन्नत मांगते हैं वे निश्चिंत तौर पर पूरी होती है। तो ये थी आज हमारी दिव्या राठौर की खास रिपोर्ट हनुमान जयंती पर। जय बजरंगबली।